करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। हाँ जी, हम कुछ मेथड्स करने वाले हैं पायरोल की प्रिपरेशन के लिए। तो पायरोल हमारे पास क्या है? पायरोल है हमारे पास 5-membered रिंग विद हेटेरो एटम नाइट्रोजन, जिसके स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें करने हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो एक एक करके कुछ मेथड्स हम करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एसिटाइलीन। हाँ जी, तो एसिटाइलीन से प्रिपेयर कर सकते हैं हम पायरोल। तो एसिटाइलीन हमारे पास क्या होता है? एसिटाइलीन है हमारे पास एसिटाइलीन ईन, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम एसिटाइलीन का मॉलिक्यूल लेंगे, दैट मीन्स C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लेना है हमें। एसिटाइलीन के हमारे पास दो मॉलिक्यूल होंगे और इन्हें हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के साथ। इन्हें हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या होता है? एसिटाइलीन आपके पास गैस होती है, अमोनिया भी आपके पास गैस होती है। क्या किया जाता है? इन दोनों को, दैट मीन्स एसिटाइलीन और अमोनिया गैस के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाएगा। रेड हॉट ट्यूब से जब हम पास करते हैं तो हमारे पास पायरोल की प्रिपरेशन होती है। हमारे पास पायरोल की प्रिपरेशन होती है। हाँ जी, तो ये प्रिपरेशन होती किस तरह से, यानी किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होगी, कि किसने कैसे रिएक्ट किया होगा? तो सिंपली अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो सारा का सारा गेम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। तो हम यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से आपका एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। सिंपली एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। यहाँ पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है कार्बन कार्बन के बीच में। इधर कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो हमें देखना यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई किस तरह से है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी? कार्बन कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी? अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की बजाय यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आपका ट्रांसफर हो, यानी कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो हमारी कहाँ चली जाए? इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में चली जाए। तो अगर मैं ये बात देखूं तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब चली गई इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में हो गई, क्योंकि अभी तक इसके सारे बॉन्ड कंप्लीट थे, तो इसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी उतनी थी। बट अब जब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगी, और इसकी तो एक्सेस हो गई और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। हमने कहा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसकी कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो नया बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हमारे पास हमें आसपास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नजर आ रहा है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, वो कौन है? आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी? नाइट्रोजन के पास चली जाएगी। हाँ जी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास जाएगी, नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, दैट मीन्स नाइट्रोजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बेशक से आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बियर कर सकता है, बट स्टिल चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल। तो ये क्या करेगा? इसके पास क्या है? तीन तीन हाइड्रोजन है, तीनों में से किसी को भी क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। और जब बाहर निकाल रहा है, दो तरीके से बाहर निकाल सकता है हाइड्रोजन को, या तो प्रोटोन की फॉर्म में या हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, और वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो अपने तीनों हाइड्रोजन में से किसी को भी बाहर भेजेगा, उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ भेजेगा, यानी कि हाइड्राइड आयन रिमूव करेगा यहाँ से। H नेगेटिव की फॉर्म में आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से। तो यहाँ से H नेगेटिव चला जाएगा। जब H नेगेटिव चला जाएगा तो दैट मीन्स इसकी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अब वो एक्सेस नहीं रही, स्टिल इसका बॉन्ड कम हो गया, इसका बॉन्ड कम हो गया, ठीक है। तो अब भी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना, अब भी इसको एक बॉन्ड बनाने की जरूरत तो है ना, तो उसके लिए क्या करेगा? इसको नजर आ रहा है इसकी पेरिफेरी में ही एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो
ट्रांसफर हुआ है वो भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। किस तरह से, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन गए नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ने हाइड्राइड आयन को रिमूव किया, हाइड्राइड आयन को रिमूव किया तो यहाँ पर क्या हो गया, नया बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज तो कंपनसेट हो गया यहाँ पर, ये क्या करेगा अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली अब तक हो क्या चुका है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पर दो दो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड का तो ब्रेक हो गया, एक एक बचा हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर प्रोवाइड करा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। अब देखो है क्या यहाँ पर, यहाँ पर नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना लिए हैं, दैट्स व्हाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस अब नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो अब ये क्या करेगा, अब इसके पास दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, जब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकाल दिया, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएगी आपके नाइट्रोजन पर आ जाएगी, दैट मीन्स नाइट्रोजन पर वापस क्या आ जाएगा, लोन पेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास किसकी सिंथेसिस हो गई, पायरोल की सिंथेसिस हो गई। तो बेसिकली इस तरह से आपके एसिटाइलीन और अमोनिया की रिएक्शन से हमारे पास क्या आता है, पायरोल की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम एसिटाइलीन। हाँ जी आई होप समझ आया होगा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम फ्यूरेन, फ्रॉम फ्यूरेन। तो अगर मैं फ्यूरेन की बात करूं तो फ्यूरेन क्या है, फ्यूरेन भी हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो भी आपकी एक फाइव नंबर रिंग है, फाइव नंबर रिंग विद वन हेट्रो एटम एंड दैट हेट्रो एटम इज ऑक्सीजन। हाँ जी ये आपका क्या है, फ्यूरेन है। तो फ्यूरेन से प्रिपेयर किया जा सकता है आपका पायरोल, फ्यूरेन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पायरोल। पायरोल एक फाइव नंबर रिंग है विद नाइट्रोजन एंड फ्यूरेन एक फाइव नंबर रिंग है विद ऑक्सीजन हेट्रोएटम। तो क्या है, हम फ्यूरेन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, पायरोल प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जी तो करना क्या होता है, इसके लिए आपको फ्यूरेन की रिएक्शन करानी होती है अमोनिया के साथ, आपको फ्यूरेन अमोनिया और स्टीम को पास करना होता है हीटेड एल्यूमिना से, हीटेड एल्यूमिना। हाँ जी एल्यूमिना क्या होता है आपके पास, एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम हाइड्रो सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको पास कराना है ये, ठीक है। तो बेसिकली हमने किया क्या, फ्यूरेन और अमोनिया लिया, स्टीम को हमने पास कराया किससे, हीटेड एल्यूमिना से। एल्यूमिना हमारे पास क्या होता है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट। और डीहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि ये कोई एजेंट है जो क्या काम करता है, डीहाइड्रेशन का, डीहाइड्रेशन दैट मींस ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। तो बेसिकली ये आपके अमोनिया से और फ्यूरेन से H2O के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और यहाँ पर ये आपका हेट्रो एटम क्या रिप्लेस हो जाएगा, आपका हेट्रो एटम नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने डिहाइड्रेशन किया, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से आपके हाइड्रोजन रिमूव किए और किसकी फॉर्मेशन कर दी, पायरोल की, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और ये काम किया किसने है, आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने। तो बेसिकली आपने फ्यूरेन लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन का है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये आपका था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम सक्सिनामाइड, फ्रॉम सक्सिनामाइड। आपको करना क्या है, सक्सिनामाइड लेना है, सबसे पहले तो सक्सिनामाइड क्या होता है, CH2 C double bond O NH, ये होता है हमारे पास सक्सिनामाइड। हाँ जी इससे क्या प्रिपरेशन होती है, पायरोल की प्रिपरेशन, हम पायरोल की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो पायरोल की फॉर्मेशन आपकी सक्सिनामाइड से भी होती है। हाँ जी तो अगर मैं अपनी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को देखूं और अपने रिएक्टेंट को देखूं, वहीं से हमें पता चलता है बेसिकली कि हम यहाँ पर
क्या क्या चेंजेस आए हैं, वहीं से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म का यही रहता है कि आपके पास रिएक्टेंट है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप चेंजेस देख करके भी आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या क्या हुआ होगा, और आपके जो रिएजेंट आपने ऐड किए हैं या फिर जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पर ही मैकेनिज्म को स्केच आउट किया जाता है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, तो अगर मैं देखूं तो बेसिक स्केलेटन ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास। C फाइव मेंबर रिंग, नाइट्रोजन हेट्रोएटम, सिर्फ क्या है यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन होनी बाकी है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो ये मेरी स्ट्रक्चर कीटो फॉर्म में है। अगर ये स्ट्रक्चर इनोल फॉर्म में हो तो हमारे डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं। किस तरह से, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूं इनोल फॉर्म की, हाँ जी इनोल फॉर्म की अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हुआ क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से ये बॉन्ड यहां, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, और प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन। तो दैट मींस यहां पर फॉर्मेशन किसकी हुई, CH, हाँ जी यहां से जो कार्बन कार्बन है जिसके बीच में अभी सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहां पर कीटोन की जगह आपका इनोल आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, कीटो फॉर्म थी, जहां पर क्या था कीटोन था, कीटोन को हमने किसमें, कीटो फॉर्म को हमने किसमें रिप्रेजेंट किया है, इनोल फॉर्म में। हमें पता है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म क्या होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो अगर कीटो फॉर्म अवेलेबल है तो दैट मींस इसकी क्या है, इनोल फॉर्म भी है। हाँ जी ये हो गई इसकी इनोल फॉर्म। हाँ जी तो अब आ गया है हमारा, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं प्रोडक्ट तक, हमारा सिर्फ क्या काम बाकी है, हमारा ये OH से ऑक्सीजन रिमूव करना बाकी है, ऑक्सीजन रिमूव करना बाकी है। तो यहां पर हम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो इस ऑक्सीजन को यहां से हटाने में हमारी हेल्प करे। हमने क्या किया, हाँ जी ऑक्सीजन रिमूव करना है। जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, अब हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, दैट मींस हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, रिडक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट दैट मींस जिंक डस्ट का यूज करेंगे। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में क्या होगी, आपकी पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ सिंपली कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और उस ऑक्सीजन की रिमूवल किसने कराई है, जिंक डस्ट ने। रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है दैट मींस रिडक्शन कराता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपके ZnO के दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन रिमूव करेगा आपका जिंक, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, पायरोल की। हाँ जी तो ये हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन थी फ्रॉम सक्सीनामाइड। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, इंपॉर्टेंट है ये हमारी सिंथेसिस, फ्रॉम 1,4-diketones, फ्रॉम 1,4-diketones, हाँ जी फ्रॉम 1,4-diketones, इसे हम पालनोर सिंथेसिस भी बोलते हैं। दैट मीन्स ये एक नेम रिएक्शन है, पालनोर सिंथेसिस। हाँ जी तो अगर मैं देखूं पालनोर सिंथेसिस क्या है, तो इसमें क्या है, सेम वही हम पायरोल की प्रिपरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली पायरोल का फॉर्मेशन होगा कहाँ से, होगा 1,4-diketone से। तो हम एक एग्जांपल लेकर के चल रही हैं, CH2 एसिटाइल एसीटोन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। हमने इसे 1,4-diketone क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं कीटोन की पोजीशन की यहाँ देखूँ तो इसके एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर वापस से कीटोन है, तो यहाँ पर डाइकीटोन्स है और 1,4 पोजीशन पर है, तो ये क्या है, 1,4-diketone। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, और आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास सब्स्टिट्यूटेड पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जी हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल की प्रिपरेशन हो जाएगी। हम यहाँ पर आपके अमोनिया के अलावा भी आपके रिएजेंट यूज कर सकते हैं, अमोनिया की बजाय आप अमोनियम कार्बोनेट, हाइड्राजीन, प्राइमरी अमीन, कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। अगर आप उसकी 1,4-diketone के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन की फॉर्मेशन होगी। हाँ जी
तो अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहता है। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास हम इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर सबसे हम क्या होता है, जब भी मैकेनिज्म की बात आती है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की बात आती है, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूँ तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, वीक होता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अगर ट्रांसफर होने की बात आएगी तो सबसे पहले, अगर कहीं पर कुछ रिएक्शन में इन्वॉल्व होने की बात आएगी तो सबसे पहले जो शिफ्ट होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे पहले टूटेगा कौन, पाई बॉन्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका शिफ्ट होगा कहाँ, ऑक्सीजन पर। तो ये यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो यहाँ पर आपका NH3 बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो आपके NH3 ने क्या किया है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन यानी कि कार्बोनिल, कार्बन का, कार्बन हमारा क्या होता है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है हमारे पास। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या हमारे पास, बाकी सब एज इट इज है। यहाँ पर जो ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जब ये फोर्थ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिमूव करेगा और O नेगेटिव क्या करेगा, उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जब ये अटैच होगा तो NH2 की फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि जब इसने अपने लोन पेयर दिए तो इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकाल लेगा और उसके इलेक्ट्रॉन से वापस लोन पेयर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हुआ हमारे पास, बाकी सब एज इट इज है। हाँ जी, बाकी सब एज इट इज है। क्या होता है कि जब आपके पास कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है और उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए, तो ये तो सिंपली हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और हमारे पास ये फॉर्मेशन हुआ। तो क्या होता है, जब आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो वो स्टेबल नहीं होता, ऐसे किस में वो क्या होता है, अपने आप ही, अगर जैसे यहाँ पर OH है और NH2 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि एक sp3 हाइब्रिड कार्बन पर क्या है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल नहीं होते। तो इस केस में ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, यानी ये OH नेगेटिव की फॉर्म में और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। किस तरह से, हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2CH डबल बॉन्ड CNH2CH3, OH चला गया वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ जी, सिंपल ये फॉर्मेशन हुई है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसको रिप्रेजेंट थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं, शो करने में हमें आसानी लगेगी। CH3 C डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यानी यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ। तो दो स्टेप हो चुके हैं हमारे अब तक, फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आपके अमोनिया ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, जिसके बाद क्या हुई, NH2 के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली आपकी रिएक्टेंट जैसी आ गई, कैसे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन वापस ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, ऑक्सीजन पर, और ये नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, यानी वापस से क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पर वापस से। हाँ जी, सेम वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो हमारे पास यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 CH3 OH, नेक्स्ट बॉन्ड इसका किसके साथ बनेगा, NH के साथ बनेगा, हाँ जी, बाकी सब एज इट इज, CH डबल बॉन्ड C, हाँ जी, N पर क्या आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
एन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अपना प्रोटोन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन फिर से वापस एक कार्बन हमारे पास ऐसा आ गया जो कि sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, और उसके पास एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। तो वापस से सेम वही क्या होगा, हमारा डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वापस एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वापस से यहाँ इस बार कहा, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो एग्जैक्टली हमारे पास यही जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारे प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूटेड पायरोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये आपकी रिएक्शन चार स्टेप में हुई है और आपके बिल्कुल कॉमन स्टेप है। पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल कार्बन पर, फिर उसके बाद आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन से क्या हो जाएगी, हमारी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फिर से वही कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद वापस वही सिचुएशन आई तो क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, आपके पायरोल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये था हमारा पालनोर सिंथेसिस और उसका मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब था आपका किसके बारे में, पालनोर सिंथेसिस के बारे में। सिंपली आपकी फोर स्टेप में रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिहाइड्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिहाइड्रेशन, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो दो बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सिंपल रिएक्शन है। हाँ जी, तो ये था आपका पालनोर सिंथेसिस के बारे में। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास एंड स्पायरोल सिंथेसिस, एंड स्पायरोल सिंथेसिस। तो बेसिकली आपकी जो ये रिएक्शन है एक सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है अल्फा हेलोकिटोन्स प्लस बीटा कीटो एस्टर्स ने In the presence of ammonia और primary amine, ये होती है आपकी basically reaction। तो अगर मैं बात करूँ alpha halokitone यानी ketone के alpha position पर आपका क्या है, halogen है, यानी कि अगर मैं मेरा ये ketone है तो ये इसकी alpha position हुई, इसकी alpha position पर क्या है, कोई भी आपका halogen attraction। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, अल्फा हेलो कीटोन का, बीटा कीटो एस्टर यानी एस्टर की बीटा पोजीशन पर कीटोन ग्रुप अटैच है। हाँ जी, तो C2H5 ये एस्टर है आपका, ये इसकी अल्फा पोजीशन होगी एडजेसेंट वाली, ये इसकी बीटा पोजीशन होगी, और बीटा पोजीशन पर क्या है आपका कीटोन, तो ये आपका क्या हो गया बीटा कीटो एस्टर, क्योंकि बीटा पोजीशन पर क्या है कीटोन, एस्टर की बीटा पोजीशन पर क्या है कीटोन। आपको ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है, अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है, तो जिससे आपका क्या हो जाएगी पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड पायरोल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ 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 आपके क्या होंगे ग्रुप्स अटैच होंगे। हम देखेंगे अपनी रिएक्शन के बाद की कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होंगे, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सिंपली हमने बात की कि अल्फा हेलोकिटोन्स क्या होते हैं, कि आपके कीटोन्स के अल्फा पोजीशन पर क्या आ जाए हेलोजन, और अगर एस्टर के बीटा पोजीशन पर आपका क्या है कीटो, तो क्या हो गया बीटा कीटो एस्टर। तो हमें रिएक्शन करानी है, इनकी मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म रहता है। तो होता क्या है, हाँ जी, तो हमारे पास है CO, CH2, CO, CH3 यानी कि बीटा कीटो एस्टर। हाँ जी, जब आपका बीटा कीटो एस्टर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया के प्रेजेंस में होता क्या है, अमोनिया है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बट यहाँ पर किस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर आपका अटैक रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको अटैक की पोजिशन देखनी है। तो जो आपका कीटो ग्रुप है वहां पर क्या है, आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है लोकलाइज्ड हैं, और इन केस ऑफ एस्टर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डीलोकलाइज्ड, तो आपके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, यानी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी COOC2H5 एज इट इज, उसके बाद आपका CH2
एज इट इज, यहां पर क्या होगा सी ओ एच सी एन एच टू और सी एच थ्री, इसके पास सब्सिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच था। हाँ जी, हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पर तो NH3 जब वहां जाकर के अटैच होगा तो N पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, जिसे कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा आपका ऑक्सीजन, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी चला गया, दैट मींस लोन पेयर भी वापस आ गया, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज था उसने क्या किया प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो सेम ये वही सिचुएशन है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या हो गया, आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन, आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हो गए हैं यहां पर जो कि स्टेबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हमारे स्टेप में क्या हो जाएगा, सिंपल डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यहां से OH नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो होगा क्या हमारे पास COOC2H5 as it is, हां जी COOC2H5 as it is CH डबल बॉन्ड CH3NH2। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। पहले हमारे पास क्या था, बीटा कीटो एस्टर, एस्टर की बीटा पोजीशन पर क्या था कीटो, और अब क्या आ जाएगा अमीनो ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल अमीन बीटा अमीनो क्रोटोनेट, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया आपका बीटा पोजीशन पर क्या आ गया अमीनो ग्रुप आ गया। तो अब क्या होगा, अब जो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है ये आपका कंडेंस करेगा किसके साथ, आपके दूसरे रिएजेंट के साथ, यानी कि आपका अल्फा हेलोकिटोन के साथ। तो हमें करना क्या है, सिंपली जो हमारे पास यहां फॉर्मेशन हुई है, हाँ जी फॉर्मेशन हुई है हमारे पास COOC2H5 आगे कर लेना CH डबल बॉन्ड CNH2CH3। तो ये था हमारे पास, ये किसके साथ कंडेंस करेगा आपके कीटोन के अल्फा पोजीशन पर हैलोजन के साथ CH3। हाँ जी, होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहां पर अटैक करेंगे और ये आपका लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है तो Cl नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कवर करेंगे। तो यहां से रिमूव होगा Cl नेगेटिव और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हुआ क्या है, CH और CH2 में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर जो ये कार्बन है जिसके बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, अब होगा क्या देखो, बाकी सब एज इट इज लिख लेते हैं पहले। हाँ जी, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इस कार्बन ने तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली और इस कार्बन ने तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास क्या है, इस कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है COOC2H5। ये जो COOC2H5 है ये क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं इस कार्बन की तो ये कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन है, तो दैट मींस ये कार्बोनिल कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कार्बोनिल कार्बन का, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ यहां पर और ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा, तो यहां से H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, तो यहां से HCl का रिमूवल होगा, यहां से HCl का रिमूवल होगा और आपकी स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है वो ये आया है कि यहां पर वापस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड आपका क्या रहता है एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर में चेंज आया है, यहां तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, तो अगर मैं यहां पर देखूं स्ट्रक्चर को वापस बना लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो हमारे पास कंडेंसेशन
प्रिपरेशन हो चुकी है आपके अल्फा हेलो एस्टर की, सॉरी अल्फा हेलो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर की। तो हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी एन एच टू सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या एस्टर अटैच है आपका सी ओ ओ सी टू एच फाइव, और यहाँ पर सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। हाँ जी, वापस से वही सिचुएशन है हमारे पास कि हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, यानी कि वो है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास। तो वापस वही नाइट्रोजन जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो एन एच टू पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए वो एच पॉजिटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा जिसे आपके ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मेशन हुई C-O-O-C-2-H-5 as it is है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड as it is है, यहाँ पर CH2 ग्रुप as it is है। उसके बाद यहाँ पर चेंजेस हुए हैं क्या क्या, इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की, यहाँ पर CH3 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ भी CH3 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है विद अ OH ग्रुप। हाँ जी, सेम वही sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन विद टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से सिंपली क्या होगा आपका, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, CCH, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर COOC2H5, ये CH3, CH3, NH। हाँ जी, तो ये हमारे पास पायरोल की सिंथेसिस हो गई, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, यही है हमारा सब्स्टिट्यूट पायरोल कार्बन कार्बन, सॉरी 5 नंबर रिंग विद 1 नाइट्रोजन। तो ये है आपका पायरोल, तो ये हमारी पायरोल की सिंथेसिस थी और ये उसका मैकेनिज्म था। हाँ जी, तो ये थी आपकी हेंस पायरोल सिंथेसिस।